आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। जहां पूरा देश उनको बधाई देने में जुटा है, वहीं इस बार पीएम मोदी अपना जन्मदिन हर बार से अलग अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मना रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। दुनिया के सबसे चर्चित राजनेताओं में से एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी आज 68 साल के हो गए हैं। वर्तमान में भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जो न सिर्फ देश के जुबा पर है बल्कि विदेशों में भी अपने देश के साथ अपने नाम का डंका बजा रहा है। इस बार पीएम मोदी बनारस में काशी के लहरों के बीच अपना 68वां जन्मदिन मनाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी अपना जनमदिन अपने मां के साथ अपने गृह जनपद गुजरात के अहमदाबाद में मनाते थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन का स्थान भोले बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ को चुना है। पीएम मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर काशी विश्वनाथ में दर्शन करेंगे और इसके बाद स्कूली बच्चों के साथ अपने जीवन पर बनी फिल्म चलो जीते हैं भी देखेंगे। 17 सितंबर 1950 को वडनगर मेहसाणा जिले में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी है। मोदी ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई श्री बीएन हाई स्कूल वडनगर से पूरी की थी। पीएम मोदी ने प्री साइंस कॉलेज वडनगर से पास किया था। वे 12वीं के समकक्ष माना जाता है। पीएम मोदी ने सन 1967 में एसएससी का एग्जाम पास किया था। उसके बाद पीएम मोदी घर से चले गए थे। पीएम मोदी ने सन 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्नातक में प्रवेश लिया और 1980 में अपनी राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। पीएम मोदी इस समय आरएसएस के प्रचारक थे। पीएम मोदी ने सन 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री फर्स्ट डिवीजन के साथ पास की थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने 2001 से 2 के दरमियान केशुभाई पटेल को गुजरात की सत्ता से हटाकर वे मुख्यमंत्री बन गए थे। लगातार 4 बार गुजरात की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं और वे अब देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।